तो आज हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं जो एनटीपीसी का बहुत ही बड़ा सीएचपी है, जो ये टंडवा हजारीबाग में स्थित है। तो यहाँ पे हम लोग आज आए हुए हैं। तो इस कन्वेयर में बहुत सारे युतियाँ लगी हुई हैं, जैसे कि हमारा बीएसएस है, पीसीएस है, पीडब्ल्यूडीएस है, जेडएसएस है। तो ये सब का क्या महत्व होता है, क्या काम होता है, आज हम इसके बारे में बताने वाले हैं। जैसे हमारा पीसीएस है, पुल कोड स्विच। पुल कोड स्विच का क्या काम है, क्या महत्व है, इसको क्यों लगाते हैं, न लगाने से क्या नुकसान है, लगाने से क्या फ़ायदा है, इसके बारे में आज हम विशेष रूप से बात करेंगे। तो आइए सीधे चलते हैं अपना पुल कोड के पास। ये रहा हमारा पीसीएस, पुल कोड स्विच, इसके बारे में आज हम बता रहे हैं। इसको लगाने से क्या फ़ायदा है, इसको नहीं लगाएंगे तो क्या नुकसान है, इसको क्यों लगाया जाता है, इसके बारे में हम बता रहे हैं। तो ये देखिए हमारा ये पीसीएस है। तो इसका काम ये है कि दुर्घटना से बचने के लिए ही पुल कोड का यूज किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि हम इस कन्वेयर में चल रहे हैं, कन्वेयर में देख रहे हैं कुछ भी इसमें मटेरियल आ रहा है, उसके में देख रहे हैं, जैसे हम ढीला कपड़ा पहने हुए हैं, तो हमारा इसमें ये जो ये हमारा रोलर है, कैरिंग फ्रेम है, कैरिंग रोलर है, इसमें हमारा कपड़ा फंस जाए, उस टाइम हम इसको पुल कोड मार के हम वहीं पे रोक सकते हैं और आसानी से वहां से बच सकते हैं। हमारा भी नुकसान नहीं होगा और हमारे जान भी बच जाएंगे, किसी तरह से दुर्घटना होने से बचता है। तो ये अगर हम मान लीजिए कि ये चलती बेल्ट है, कोई गर्म मटेरियल आ गया, किसी तरह के स्क्रैप आ गया, जैसे बेल्ट डैमेज हो रहा है, हम देख रहे हैं कि बेल्ट डैमेज हो रहा है, तो उस टाइम उस समय क्या करेंगे कि इसको पुल कोड के मार देंगे ताकि वो रुक जाए। फिर हम अपने मैकेनिकल डिपार्ट को बताएंगे कि हाँ सर, इतना नंबर का पुल कोड के पास हमारा बेल्ट डैमेज है। साहब आएंगे, स्टाफ बनाएंगे, हमारे जो भी है सीनियर सिटीजन आएंगे, वो देखेंगे, फिर वो लोग निर्णय लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग इसको ठीक करेंगे, इसके ठीक करने के बाद हम चलाएंगे। तो ये है हमारा पुल कोड स्विच, और इसके मेन विशेषता ये है कि ये दोनों तरफ होता है। अगर आप एक LHS RHS दोनों तरफ होता है, एक RHS तरफ, एक हेड तरफ में है झुका हुआ होगा, तो एक टेल की तरफ झुका हुआ होगा। अगर हेड तरफ झुका हुआ होगा तो वो RHS होगा, और जो लेफ्ट तरफ होगा, वो जो टेल तरफ झुका होगा, वो LHS होगा। क्योंकि हमारा पुल कोड ऑन है, इसको ऑफ कर दिए तो अब हमारा बेल्ट नहीं चलेगा, बेल्ट हमारा यहीं पे रुक जाएगा। अगर इसको फिर चलाना हो तो इसको बाईपास करके चला सकते हैं, अन्यथा ये PLC से कनेक्टेड है, जब तक ये पुल कोड रिलीज नहीं करते हैं तब तक हमारा बेल्ट नहीं चलेगा। तो आज बस अभी इतना ही। जो भी भाई देख रहे हो, कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। इसके बाद अगला टॉपिक बताएंगे, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद देवेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया।